व्हाट्स अप गेमर्स, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले। और आज हम लोग खेलने वाले हैं वन वीक के बाद माइनक्राफ्ट। तो इस वीडियो को आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ, तो उसका वजह था ये मेरा इनकम्प्लीट हाउस, जिसे मैं बनाने की काफ़ी ट्राई कर रहा था और इसे बनाने में मुझे लगभग एक हफ्ता लगा। अब बोलोगे आप लोग कि ये क्या है, इसमें तो कुछ खास है नहीं, एक विंडो भी मैंने पूरा नहीं किया, सिर्फ आप लोग के जल्दी जल्दी में मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने 4-5 टाइप के हाउसेस ट्राई किए, पर डे एक हाउस बनाया मैंने। और देख सकते हो मेरे पास कितना कंक्रीट है, कितना ज़्यादा आयरन है, एक स्टैक आयरन 65 आयरन है, और काफ़ी सारा सैंड, काफ़ी सारा कोल इसी बीच मुझे मिला। और मेरे पास काफ़ी सारा रिसोर्स खर्चा हुआ, क्योंकि कंक्रीट बनाया मैंने काफ़ी ज़्यादा दिमाग माथा खपाई हुआ, लेकिन आखिर में मुझे लगा कि छोड़ो, यही कॉबलस्टोन वाला पुराना डिज़ाइन रखते हैं और इसे मैं ऑफलाइन जाकर थोड़ी और अच्छा कर लूँगा। लेकिन आज मुझे काम करना था फेंसिंग करके एनिमल फार्मिंग का, क्योंकि फ़िलहाल एनिमल उसकी भी हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है, ख़ास करके काउस की। शिप्स उतनी इम्पोर्टेंट है नहीं जितना लोग कहते हैं। अगर आप लोग नहीं भी रखिएगा शिप्स तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 9x9 का मैं बना ले रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये फेंस अप करने के बाद, वैसे अभी सुबह हो रहा है ना, दिन हो रहा है, ठीक है। तो फेंसिंग करने के बाद हमें जल्द से जल्द एनिमल्स को ढूंढना होगा। देख रहे हो मेरे पास एक स्टैक गाजर है, एक स्टैक कैरेट, एक स्टैक फीट है, तो मैं इसी के हेल्प से कई सारे एनिमल्स को लाने वाला हूँ। जैसे सिर्फ काउस को ही लाऊंगा आज के एपिसोड में, मुझे शिप्स की ज़रूरत है नहीं। जब मैं डॉग्स याद आया, मैंने ना एक डॉग को पकड़ कर रखा है, चलो मैं दिखा देता हूँ। साथ ही साथ मैं आप लोगों को दिखा दूँगा कि कैसे करके आप लोग टेम कर सकते हो किसी भी जानवर को, या फिर उन्हें मतलब लालच दे करके इतना दूर अपने बाड़े में फंसा सकते हो। इसे हाथ में रखते हुए हम लोग करते हैं। तो मुर्गी भी पता नहीं कैसे इसके अंदर आ गई, ये देखो मुर्गी, लेकिन ये इसको मार नहीं रहा है। इस वोल्फ को मैंने कैप्चर करके रखा यहाँ पर, आसपास मिल गया था मुझे, तो कलेक्ट करते हैं एनिमल्स, खोजते हैं। तो फ़िलहाल तो नहीं मिल रही है कोई काउस या शीप्स। मैं सोच रहा हूँ कि अपने घर को थोड़ा 6 ब्लॉक ऊपर ऊँचा कर दूँ और थोड़ी और मॉडिफिकेशन करके, अगर घर छोटा पड़ जाएगा तो अंडरग्राउंड बेस भी हम लोग बना लेंगे। फ़िलहाल के लिए घर का डिज़ाइन मेरे हिसाब से वही ठीक है। और काफ़ी दूर आ चुके हैं हम लोग अब तक। ओ, एक काउ दिख गई और मुझे और एक काउ चाहिए थी, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग ले आएंगे और एक। अभी इससे सबसे पहले रख के आते हैं। ओ, यहाँ पर शुगर केन भी है तो इसे भी ले लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा बाद में काम भी आने वाली है, वो आप लोग देखोगे कैसे कैसे क्या चीज़ कब और क्यों काम आती है। सो आप लोग देख सकते हो कैसे करके ये आ चुकी है अब मेरे बाड़े में, और अब इसे अंदर लाएंगे हम लोग और ला करके इसके साथ होने वाला है स्कैम। 1 फेंस और बस, तो आ गई, फंस गई रे बाबा। अब रात हो रही है तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी बहुत एक झपकी मार लेते हैं। 3, 2, 1, मतलब समझ में नहीं आती ये सिर्फ 3 सेकंड वाली नींद का क्या फ़ायदा। चलो उधर से हम थोड़ी और काउस को खोज कर लाते हैं, उससे पहले वेट को हाथ में निकाल देते हैं। अब चलो यार, यहाँ पर चिकन्स इतनी ज़्यादा है लेकिन काउस क्यों नहीं दिख रही। काउस
हेलो, वेयर आर यू काउस? मुझे ये काम ना बड़ा मुश्किल लगता है। सिर्फ दो टूक खोजने में हाल ख़राब हो जाती है अपनी। तो अब हम लोग फिर से उसी एरिया में जाकर चेकआउट करते हैं कि शायद वहाँ पर कोई और काउ भी स्पॉन हो जाएगी, क्योंकि इन सब एनिमल्स का स्पॉन रेडियस होता है 8 या फिर 4, जिसमें अब तक तो स्पॉन हो जाना चाहिए। अगर आप लोग को नहीं पता हो तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड एक अलग सी वीडियोस बना सकता हूँ, अगर आप कहो तो। अभी तक तो नहीं फिलहाल। और विलेजेस अलाइव है ना, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आप विलेजेस के घर के पास विलेज के पास रहोगे ना, तो कई सारे विलेजेस के मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपके पास आसपास कई सारी जॉम्बी स्पॉन होंगे, और उन जॉम्बीज़ के स्पॉन होने पर विलेजेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो जॉम्बी विलेजर में, मतलब एक तरह से वैम्पायर समझ सकते हो जॉम्बीज़ को। तो हम लोग खोजते खोजते इतना दूर आ चुके हैं, लेकिन एक भी काओ नहीं दिख रहा दिख रही। सो गेमर्स, काफ़ी देरी बाद अब हमें एक शीप दिख चुकी है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे कोई काव क्यों नहीं दिख रही यार? जब ज़रूरत नहीं होती है ना, तब देखो कि कैसी भीड़ पड़ी रहती है। देखो यहाँ पर शीप नीचे, इतना देरी काव नहीं है। मुझे उसे शीप की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ओ, नीचे से शीप ऊपर चढ़ गई सिर्फ इस स्वीट के लालच में। ओ माय गॉड, ना ज़्यादा लालच। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो मैंने 2 शीप्स और 1 काऊ को पकड़ लिया, लेकिन अब बचता है सिर्फ 1 और काऊ और बस काम ख़त्म। 1 काऊ को मुझे उसके बाड़े से निकालना पड़ेगा। सच में बहुत गंदा लगता है यार, मतलब अपना एक अलग स्पेस होना चाहिए। तो उन लोगों को कैप्चर करने के बाद मुझे अब चाहिए सिर्फ 1 और काऊ, क्योंकि 2 काउज रहेंगी तभी तो ब्रीडिंग होगा, और ब्रीडिंग होगा तो कई सारी काउज होंगी मेरे पास, और फिर मैं उनसे लेदर्स कलेक्ट करूँगा। सो गाइस, जैसा आप देख सकते हो मैंने काफ़ी ज़्यादा खोजा और मुझे नहीं मिली वो काऊ। यहाँ पे चिकन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, यहाँ पर शीप्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ये काउस मुझे सिर्फ 1 ही मिले। तो मैं इसे ही पकड़ कर रखा हूँ, और नेक्स्ट एपिसोड तक मैं ऑफलाइन जाकर एक और काउस को पकड़ लूँगा, और मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को ब्रीडिंग का प्रोसेस। जैसे आप लोग इसको एक फीड देना है। अरे यार, साइड हो ले तू यार, हर जगह। हाँ, और इससे एक, अब बस देखो ये ब्रीडिंग करेंगे, और ये एक बेबी, इसे एक्सपी भी मिलता है आप लोगों को। वो सारी प्रोसेस मैं धीरे धीरे बता दूंगा। अभी ऑफलाइन जाकर इस फेंसिंग को थोड़ा ठीक ठीक है करना हो है, तो लाइक कर देना, और मुझे चैनल को अपने सब्सक्राइब कर हाउस को देना, भी बेस को भी और मैं कंप्लीट मिलता हूँ करना आप है। लोगों को अगले नई गेमिंग एपिसोड में। बाय।